Hello everyone, welcome to Tarunayas. This is your host Hostendo Shivam Shukla. Today we will cover daily current affairs quiz for 31st July 2023. So let's start with the first question. So the first question is regarding which of the following statement is incorrect regarding person with disabilities. Okay? So this is a question regarding the legislation and the important constitutional provisions with respect to the person with disabilities in india. so the first statement says, article 14 of the constitution ensures the right to equality for every citizen, including disabled persons, any including person with disabilities. second statement, article 41 of the indian constitution guarantees provisions for right to work, education and public assistance for person with disabilities. third statement, rehabilitation council of india act 1992 provides statutory status to the rehabilitation council of india that is rci and regulates services for disabled persons this is the third option and then option d national trust for the welfare of persons with autism cerebral palsy mental retardation and multiple disabilities act 1999 replaced the rights of persons with disabilities act you ये दोनों जो यू नो ऑर्गेनाइजेशन आई नैट नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सनस एंड मल्टीपल डिजेबिलिटीज एक्ट 1999 इसने रिप्लेस किया राइट टू पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट को विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग आप देख के ही बता सकते हो सो द इन करेक्ट ऑप्शन और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी लेट सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट सो एज़ पर द क्वेश्चन आंसर डी इज़ यू नो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट डी इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिजम सेरिब्रल पॉलिसी मेंटल डिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिजेबिलिटी एक्ट इज़ अ सेपरेट लेजिस्लेशन इसने किसी पर्टिकुलर uh, और किसी एक्ट को रिप्लेस नहीं किया है वो सेपरेट लेजिस्लेशन है ठीक है इसके अलावा द सेकेंड स्टेटमेंट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिज़ेबिलिटीज एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी ने ज़रूर रिप्लेस किया था पिछले वाले एक्ट को नाइनटीन नाइनटी फाइव के एक्ट को एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट फुलफिल्स द यू एन सी आर पी डी ऑब्लिगेशन विच विच यू नो टॉक्ड अबाउट इंक्रीज रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन एंड इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग्स ठीक है तो ये एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये थे हम आगे भी एक क्वेश्चन और है इस पर हम इसको डिस्कस करेंगे दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग डिजेबिलिटी इन इंडिया ठीक है कहाँ कहाँ पे डिजेबिलिटी के राइट्स को एड्रेस करता है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज अ फंडामेंटल नोशन बिहाइंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स गारेटीड इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है फिर पार्ट फोर में चले जाओ तो डी पी एस पी आर्टिकल फोर्टी वन की बात करता है ठीक है इट सेज दैट स्टेट शैल मेक अफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिजेबिलिटी तो स्पेसिफिकली डिजेबल्ड पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए स्पेसिफिक मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है नेक्स्ट इज आर्टिकल 46 सिक्स इट लेज डाउन एन ऑब्लीगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्ट्स दैम फ्राम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लाइटेशन तो आर्टिकल 41 ऐसा है जिसमें एक्सप्लिसिटली पर्सन विद डिजेबिलिटीज के बारे में मैंशन है नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेजिस्लेटि पावर बिटवीन द सेंटर एंड दप्ट द डिजेबिलिटी इशू इन द स्टेट लिस्ट तो डिजेबिलिटी वाला इशू जो है स्टेट लिस्ट में आता है एंड राइट्स ऑफ परसन विद डिजेबिलिटीज एक्ट ट्वेंटी सिक्सटीन द प्रीवियस एक्ट जिसका नाम था परसन विद डिजेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ठीक है नेक्स्ट इज सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें एक सब्जेक्ट मैंशन है स्टेट लिस्ट में रिलीफ ऑफ द डिजल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इन स्पेसिफाइड स्टेट लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल ठीक है तो दीज आर दू नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स रिगार्डिंग पर्सन विद डिजेबिलिटीज लेट्स इीज द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन अगेन आर्क अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दिस बिल सीक्स टू अमेंड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू एंड इंट्रोड्यूसिस न्यू प्रोविजन्स फॉर फिल्म क्लासीफिकेशन यानी फिल्म को क्लासीफाई जो करते हैं हम एज ग्रेड के बेसिस पे यू यू ए यू नो अलग अलग की कैटेगरीज तो उसको क्लासीफाई करता है और कुछ नए प्रोविजन्स डालता है ऐसा ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट द बिल प्रपोजेज परपैचुअल सर्टिफिकेशन वंस गिवन फॉर फिल्म परपैचुअल मतलब कंटिन्यूस एक्टिव रहेगा एक बार एक सर्टिफिकेशन अगर एक बिल को दे दिया ठीक है नेक्स्ट इज सी स्टेटमेंट द एक्ट ऑफ प्राइवेसी विल ओनली बी पनिशेबल बाय अ फाइन अगर आपने पायरेसी किया मतलब अगर आपने यू uh, नो you know, चोरी से वो फिल्म देखी कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए तो यू विल बी पनिशेबल बाय अ फाइन ओनली हियर इज़ द ओनली इज द एक्सट्रीम वर्ड सो वील हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दीज एक्सट्रीम वर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू स्टेब्लिशेज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सी बी एफ सी टू सेंक्शन इन सर्टिफाइड फिल्म ठीक है सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी एंड इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो सी बिकॉज एक्ट ऑफ पायरेसी सिर्फ और सिर्फ फाइन नहीं जेल भी हो सकती है आपको अगर आप ज्यादा से ज्यादा पायरेटेड यू नो मटेरियल का प्रोलीफरेशन करते हो उसको फॉरवर्ड करते हो तो यू आर लाइबल टू पनिशमेंट फॉर नो अप टू थ्री इयर्स, तो हेयर इज द करेक्ट आंसर इन करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो इट प्रपोजेज स्ट्रिक्टर लॉज अगेंस्ट पायरेसी इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर थ्री ईयर्स तीन साल तक की जेल हो सकती है एंड टेन लैक पेनल्टी फॉर दोज इन्वॉल्व इन पायरेसी इवन ट्रांसमिटिंग पायरेटेड कॉन्टेंट विल बी पनिशेबल अंडर दिस बिल ठीक है एक बार ये आ गया तो आप जो अभी नेट से डाउनलोड करके फिल्म देख लेते हो दैट वॉन्ट बी अलाउड एंड इट विल भी इलीगल ठीक है नेक्स्ट इज सिटीजन अमेंडमेंट बिल सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सिक्स टू अमेंड सिनेमाटोग्राफ्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजन फॉर फिल्म क्लासिफिकेशन, हार्शर पनिशमेंट फॉर पायरेसी एंड अलाइनमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आए थे लास्ट ठीक है इसमें क्या क्या अमेडमेंट आए हैं ये आप देख लीजिए न्यू सब एज कैटेगरीज़ फॉर फिल्म टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉमिट इन कैटेगराइजेसन अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स ठीक है चाहे वो ओ टी टी हो चाहे आप थिएटर में रिलीज कर रहे हो कहीं भी या टी वी ठीक है तो तीन अलग अलग सर्टिफिकेशन आए हैं यू ए प्लस यानी एप्लीकेबल फॉर एवरी जो सात साल से ज़्यादा की एज वाले हों यू ए थर्टीन प्लस तेरह साल से ज़्यादा की उम्र के लिए ये वाला सर्टिफिकेशन चलेगा और सोलह साल से ज़्यादा उम्र के लिए यू ए सिक्सटीन प्लस फॉर ट्वेल्व ईयर्स ये बारह साल के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन वैलिड रहेगा ठीक है नेक्स्ट परपेचुअल सर्टिफिकेशन वंस गिवन ठीक है एक बार अगर आपको सर्टिफिकेशन दे दिया तो वो वैलिड रहेगा इंडेफिनेटली री सर्टिफिकेशन ऑफ द एडिटेड फिल्म फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट तो अगर कोई पर्टिकुलर मूवी अगर टी वी पर ब्रॉडकास्ट की जाने वाली है तो उसका उसको री सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें कुछ एडिटिंग लगाई जाएंगी ओनली अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जिबिशन कैटेगरी फिल्म कैन बी शोन ऑन टेलीविज़न ठीक है यू यू मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड ठीक है तो अगर किसी फिल्म को अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जिबिशन कैटेगरी में रखा गया है देन ओनली इट कैन बी शोन ऑन टेलीविजन अदरवाइज आपको रिसर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी अगर आप टीवी पे दिखाने वाले हो तो अगेन स्ट्रिक्टर लॉस अगेन पायरेसी तीन साल की सज़ा और दस लाख तक की फाइन लग सकता है एक्ट ऑफ पायरेसी विल बी अ लीगल ऑफेंस अभी तक ये लीगल ऑफेंस नहीं होता था सिविल ऑफेंस में मान लेते थे, थे इसको अब लीगल ऑफेंस होगा इवन ट्रांसमिटिंग पायरेटेड कंटेंट विल बी पनिशेबल ठीक है So this is about the second question. Let's see the next question. Which of the following are the is are the features of PLI scheme? That is production linked incentive scheme. Okay? First statement PLI scheme incentivizes companies based on production and sales to encourage increased manufacturing, job creation and economic growth. ठीक है सो दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड इज द स्कीम टारगेट्स वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स ऑटोमोबाइल अमंग अदर्स ठीक है नेक्स्ट इज द इंसेंटिवस प्रोवाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम कैन रेंज फ्रॉम वन परसेंट टू द ट्वेंटी परसेंट बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स एंड परफॉर्मेंस मतलब जैसे जैसे आपकी सेल्स या परफॉर्मेंस बढ़ेगी आपके इंसेंटिव बढ़ते जाएंगे इन सारे सेक्टर्स में हैं और प्रोडक्शन और सेल्स को टारगेट करता है टू एनकरेज ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जॉब क्रिएशन हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी लेट्स सी द नेक्स्ट यू नो इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट सो दैट यू विल बी एबल टू गेट बेटर आइडिया फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट जिसमें सारी चीजें हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है इम्पोर्ट कम करना है एंड डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग बढ़ाना है दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज ब्रॉड ठीक है पी एल आई स्कीम इज टारगेटेड टूवर्ड्स मल्टीपल सेक्टर्स बहुत सारे सेक्टर्स को टारगेट किया है मोर देन थर्टीन सेक्टर्स ठीक है अभी और ज़्यादा अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी उसमें ये बोल रहे हैं कि इसको फर्टिलाइजर सेक्टर में भी और केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इसको इनकॉर्पोरेट करना है ठीक है एंड स्टेटमेंट थ्री इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि एक परसेंट से लेकर ट्वेंटी परसेंट तक की इंसेंटिवस uh, दिए जाते हैं ये इसमें यू नो एक डेटा है आपको कि अलग अलग सेक्टर में कितना कितना पैसा फॉर दिस ईयर हैज़ बिन ग्रांटेड ठीक है तो फॉर लाइक फॉर ए सी सी बैटरी इट्स एटीन थाउजेंड करोडस ठीक है नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा है फिफ्टी सेवन थाउजेंड करोड्स एंड सो यू नो इतना इंसेंटिव मिलता है करोड्स में फॉर अ फाइव ईयर पीरियड इतना फाइनेंशियल आउटले किया गया है इस बजट में ठीक है सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसोर्स एफिशियंटी सी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलेशन ठीक है जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलेशन आर ई सी ई आई सी ठीक है इसके बारे में बताना है आपको फर्स्ट इज़ यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च आर ई सी ई आई सी टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल सेकेंड थर्टी नाइन मल्टी नेशनल कारपोरेशन प्लेज टू अडॉप्ट रिसोर्स एफिशियंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड वॉट इज दिस सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल इट फोकसेज ऑन री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग मटेरियल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू द वेस्ट ठीक है तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं ठीक है तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे बात करते हैं अगर आपको सर्कुलर इकोनॉमी का यू नो कॉन्सेप्ट पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बाकी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल थी लेट्स द डिस्क्रिप्शन पार्ट सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है ठीक uh, है ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ये हमारे इन्होंने आर ई सी ई आई सी को लॉन्च किया टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल ड्यूरिंग जी ट्वेंटी इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ई सी एस डब्ल्यू जी ये वाली मीटिंग हुई चेन्नई में ट्वेंटी सेवंथ को खत्म हुई थी एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट थर्टी नाइन मल्टीनेशनल कंपनीज ने अडॉप्ट किया है देव प्लेस टू अडॉप्ट रिसोर्स एफिशियंसी एज वेल एज द सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड वॉट डू यू मीन बाय सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल इट एम्स टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू द वेस्ट इन्क्लूडिंग प्लास्टिक एंड ई वेस्ट बाय फोकसिंग ऑन री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग ठीक है तो नॉर्मल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल होता है इट टॉक्स अबाउट यू नो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ठीक है उसके बाद का क्या होगा आ, इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सर्कुलर इकोनॉमी में इंकॉर्पोरेट किया जाता है तो इट इज़ मोर सस्टेनेबल दैट्स वाई मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट इज पुसिंग टूवर्ड्स इट ठीक है एंड दिस इज़ यू नो जी ट्वेंटी का अपना मॉडल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दैट्स इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विद रेफरेंस टू पर्सन विद डिजिजेबिलिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो दो ऑर्गेनाइजेशन्स और दो एक्ट्स के द्वारा दी गई डेफिनेशनस हैं यू विल हैव टू टेल की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यू एन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज दैट इज़ यू एन सी आर पी डी डिफाइन्स पी डब्ल्यू डीज एज इंडिविजुअल्स विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स यानी सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं उनमें यू नो कोई ना कोई लॉन्ग टर्म बैरियर्स होने फेसिंग बैरियर्स टू फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी तो फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल या सेंसरी एंगल से आप अगर सुनने मतलब कोई भी चीज़ आपकी आपको बैरियर कर रही है यू आर नॉट एबल टू फुल्ली फंक्शन यू डोंट हैव एनी फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन यू विल बी कंसिडर पर्सन विद डिजेबिलिटीज एज पर दिस डेफिनेशन ठीक है नेक्स्ट इज राइट टू पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट के अनुसार डेफिनेशन है पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी एज समन विथ एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी ठीक है जो भी आपको डिजेबिलिटी है उसका एटलीस्ट थर्टी परसेंट होना चाहिए एज पर दिस एक्ट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन इज करेक्ट सेकंड इज रॉन्ग हेयर इट इज़ नॉट थर्टी परसेंट इट इज़ फोर्टी परसेंट मिनिमम फोर्टी परसेंट डिजेबिलिटी का परसेंटेज होना चाहिए आपका जो भी यू you नो know, जो भी जिसको भी ये सर्टिफिकेट मिलेगा देन ओनली यू विल भी कंसिडर्ड अ प परसन यू नो यू विल भी रिकोगनाइज अंदर दिस पर्टिकुलर एक्ट सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ओनली ठीक है So let's see the description part for more clarity. So here is the definition. pehla statement totally correct hai second is 40% is the specified disability criteria. theek hai yahan pe kuch data diya hua hai Person with disabilities by disability, मतलब census two, 2011 के हिसाब से कितने percent लोग अलग अलग disability वाले हैं. So highest are from locomotor disability, यानी पैर की वजह से चलने केवल नहीं है. Next is visual. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो हाइएस्ट पॉपुलेशन uh, है विजुअल वाली है नेक्स्ट इज हियरिंग डिजबिलिटी भी काफ़ी लोगों को है एंड देन ये सारे उन केसेस के ऊपर है जो रिपोर्ट किए गए हैं ठीक है uh, और अभी ये दे ये दो हज़ार ग्यारह का डेटा है अब काफ़ी चेंज हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट इज़ दिस पर्टिकुलर यू एन सी आर पी डी इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है अडॉप्ट किया गया टू थाउजेंड सिक्स में एंटर्ड इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड एट

ऑल दीज इम्पॉर्टेंट डिजीजेस मुस्कुल डिस्ट्रोपी एसिड अटैक्ट विक्टिम्स को भी पर्सन विद डिजेबिलिटीज में कंसिडर किया लोगों ने सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू कंसिडर समन यू नो पर्सन विद डिजेबिलिटीज थैंक यू एंड हैवन हाइस डे होप यू आर लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आर इनिशिएटिव यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यू नो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल यू कैन गेट द पी डी एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑन टेलीग्राम चैनल you can follow us on tarun underscore ias till then thank you and have a nice day